है पूरा धान का खेत विद वाइट एंगल। यहीं पर भाई का एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भालू का जो मुंह है वो किस तरीके का होता है, एंड मामा भाई को बता रहे थे कि किस तरीके का जो है वो मुंह होता है, एंड वो यही बातें कर रहा था कि हम उससे कैसे बचेंगे, वो आएगा तो हम क्या करेंगे, हाँ करके हम डरा देंगे ये वो। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस वेल वी वॉज ट्रैवलिंग टू द पार्क। तो ऐसी किस्म की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो एक हर एक छोटे बच्चों में जो है वो पाई जाती है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फॉरेस्ट एरिया पे, तो यहाँ पर हमें बाई लक और बाई चांस अगर कोई जंगली जानवर देखने को मिलेगा तो। सो गाइस ये है गेट, वेलकम टू चिताऊं नेशनल पार्क। तो यहाँ से आगे चलाएंगे मामा, मैं बनाऊंगा वीडियो। सो गाइस ये है वो सारा जंगल एरिया और यहाँ से हम घुसेंगे। यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपकी एंट्री होती है, फिर अगले चेक पोस्ट पे चेक होता है कितने बजे गाड़ी निकली थी और कितने बजे पहुँची है। काफ़ी सिक्योरिटी रीजन से ये सब रहता है यहाँ पर। गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी वाली सीट पे ब्लॉगिंग करने के लिए, कंफर्टेबल हो रहा हूँ। मामा ड्राइव कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा है यहाँ पे मामा को ड्राइविंग सिखाने का कि वो थोड़ा चला रहे हैं। ये पहुँच गए हम, पुल पार कर रहे हैं। गाइस आ गया वो चेक पोस्ट जहाँ पे गाड़ी की एंट्री होती है। सो ये है वो चेक पोस्ट जहाँ पे एंट्री होगी और टाइम लिखाया जाएगा। यहाँ कैमरा ऑन ही रखना पड़ेगा, बाई चांस कहीं कुछ दिख भी जाए तो वीडियो पे रिकॉर्ड भी हो जाए। तो चेक पोस्ट से हम आगे आ चुके हैं और एंट्री हमने मामा के नाम से करवा दी है। वैसे जो यहाँ का चितौन का जो गेट है वो रात को 10-10:30 बजे बंद हो जाता है और सुबह 4 या 5 बजे के करीब खुलता है, तो उस बीच में से आप जो है वो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद जो है वो अलाउड नहीं होता यहाँ पर आना। यहाँ के पंचर है के न पंचर हाथी और बागवानी पंजा और की पंजा और की क्या चल रहा गईड़ा। सो गाइस ये जो फॉरेस्ट एरिया था वो 15 किलोमीटर का एरिया जो था चितौन नेशनल पार्क का वो हमने कवर करके कर लिया है और हम बाहर आ चुके हैं यहाँ से एक और पुल। गाइस हम आ चुके हैं नेशनल पार्क से भी आगे, तो यहाँ से हमें ये जो है वो क्रॉस करना है। आराम से आगे खड़े हम उतर चुके हैं यहाँ बीच खेतों में। तो यहाँ पे कुछ मामा के खेत हैं तो उनको भी देख लेते हैं। कहाँ से शुरू है, कहाँ से? इधर से, इधर से शुरू है, खत्म खत्म है शुरू यहाँ से और खत्म से लेकर वो जो गाड़ी लगी है वहाँ तक है। ये वो कॉर्नर है, यहाँ से उस कॉर्नर से लेकर वहाँ से वो जो गाड़ी खड़ी है ये सारा मामा का खेत है। तो हमने कहा चलो आए हैं तो देखे जाते हैं। हम निकल
निकल चुके हैं चितौन नेशनल पार्क से और हम जा रहे हैं भरतपुर की साइड से उसी रोड पे। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं कौन टाउन जानी रहे अभी परसा चितौन। अब हम जाएंगे परसा चितौन छोटी मम्मी से मिलने के लिए। सबसे लंबे हाईवे पे जिसे महेंद्र हाईवे कहा जाता है और पूर्व मेजी से लेके पश्चिम महाकाली तक ये रोड जुड़ा हुआ है और ये रोड की स्थापना और जो रोड की जो सर्वे किया था राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल में जितने भी रोड है उसमें से सबसे लंबा और जहाँ तक मतलब नेपाल शुरू से ले एंड तक इसी रोड से जुड़ा हुआ है ये रोड जो हम जा रहे हैं। तो उतर जाते हैं हम गाड़ी से पहुँच चुके हैं पहुँच गए हम प्रशांत जी के पास। हम पहुंच गए प्रशांत जी के पास प्रशांत जी की हम हुई मासी अवेलेबल नहीं है घर पे थोड़ी देर बाद आएंगे तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं और पंखे की थोड़ी हवा ले लेते हैं। तो हम प्रशांत की मम्मी से बड़ी बहन और छोटी बहन साथ मिल चुके हैं आज काफी सालों बाद। कमेंट करके बताना चेहरे मिलते हैं या नहीं। तो इस ब्लॉग को आज मैं यही एंड करता हूँ। तो जो अभी तक इस नेपाल सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और जुड़ सकते हैं घुमक्कड़ सौरभ की दुनिया के साथ। सो दिस साइड सौरभ शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।